बड़ी खबर फैजाबाद से आ रही, जहां मित्र सिंह यादव का निधन हो गया है। बीकापुर के एसपी विधायक मित्र सिंह यादव थे जिनका निधन हुआ है। राम मनोहर अस्पताल में और लखनऊ में उन्होंने इस अस्पताल में आखिरी सांस ली है। कम्युनिस्ट पार्टी से उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी शुरू की थी। उसके बाद एसपी बसपा में रहकर फैजाबाद से 3 बार सांसद रहे, 7 बार विधायक। सात सितंबर 2015 को गरीबों व मजलूमों के नेता और फैजाबाद ज़िले के राजनीतिक स्तंभ मित्र सेन यादव नहीं रहे। वे कुछ सालों से बीमार चल रहे थे। गंभीर बीमारी थी जो उन्हें बार बार अस्पताल खींच ले जाती और हर बार वे काल को चकमा देकर घर लौट आते थे, अजात शत्रु की भांति। जी हाँ, अजात शत्रु की ही भांति। मित्र सेन यादव का जन्म 11 जुलाई 1934 को फैजाबाद जिले के भिटारी गांव के एक सामान्य परिवार में हुआ था। लोग उन्हें प्यार से बाबूजी कहते थे। बाबूजी का व्यक्तित्व एक अनूठा व्यक्तित्व था, जिसमें गरीबों के प्रति, वंचितों के प्रति, शोषितों के प्रति, मजलूमों के प्रति एक गजब की सोच थी। आज की तारीख में नेता कोई भी बन सकता है, लेकिन जो सोच और जो विश्वास आम जनता का उनके प्रति था और उनकी जो सोच आम जनता के प्रति थी, वहाँ उस तरह की सोच आज के नेताओं में नहीं मिलती है, आज के जनता के प्रतिनिधियों में कम पाई जाती है। बाबूजी का जीवन जो है वो संघर्षों का जीवन रहा है। उन्होंने शुरुआत से ही एक गरीब आदमी की आवश्यकता क्या होती है, उसके साथ जुल्म कैसे किया जाता है, जुल्म कौन करते हैं और जुर्म करने के बाद उसके साथ किस किस तरह के व्यवहार जो उसको गरीबी तक बनाए रखने के लिए, गरीब बनाए रखने के लिए जो चीज़ें सामंतियों में एक प्रवृत्ति होती है, एक इस तरह की सोच के लोग होते हैं कि कैसे गरीब को गरीब बनाए रखा जाए और उसको आगे न बढ़ने दिया जाए। उस जो बुनियादी चीज़ें हैं गरीबी से जुड़ी हुई, उन तक उनकी जान थी, जानकारी थी, उसको वो जानते थे, पहचानते थे। बेसिकली उनका जो काम था, उनकी जो सोच थी, उनका जो राजनीतिक धड़ा था, वो गरीबी, गरीब को कैसे उद्धार किया जाए, उसका उसका उसको आगे कैसे बढ़ा जाए, उसका वो उसको पल्लवित पुष्पित कैसे किया जाए, उसकी गरीबी का निराकरण कैसे किया जाए, एक आम आवाम जिसका कोई सहारा ना हो उसको सहारा कैसे दिया जाए, इस टाइप की सोच थी उनकी। एक किसान हो, गरीब हो, मजलूम हो, जैसे मान लीजिए कोई घटना घटी, उसमें किसी ने किसी का उत्पीड़न किया, तो उस उत्पीड़न के खिलाफ कैसे लड़ाई लड़ी जाए, उस आदमी को कैसे क्या कहते हैं आश्रय दिया जाए, उस आदमी को सांत्वना कैसे दी जाए, उस आदमी का उद्धार कैसे किया जाए, उस आदमी के उस उत्पीड़न से उसको निजात कैसे दिलाई जाए, बेसिक उनकी जो कार्यशैली थी, जो सोच थी, जो आचरण था, वो इन चीज़ों से जुड़ा हुआ था। चाहे वो गरीब हो, किसान हो, मजलूम हो, और वो उनको बेसिक जानकारियाँ थी समाज की, जमीन से जुड़े थे, आम जानकारी थी, आम जनता के दुख दर्द बांटते थे, उनके बीच में होते थे और उसको लेकर के उन्होंने लगातार संघर्ष किया। तो एक अनूठा व्यक्तित्व था उनका। स्वर्गीय बाबू जी मित्र सेन यादव जी ने जो संघर्ष किया है, जो गरीब लोगों की लड़ाई और सामंतवादी ताकतों और सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ उन्होंने लड़ने का काम किया है, तो सबसे पहले तो हमारे जनपद की
और खास तौर पे जो पीड़ित शोषित जनता है वो उनको याद करती है और पिता से ज्यादा कहीं महत्व उनको दिया जाता है। पिता के रूप में हम लोगों ने जब से अन्याय के खिलाफ उन्होंने लड़ना शुरू किया तो हम लोगों को जो पिता का प्यार मिलना चाहिए वो तो नहीं मिल पाया, लेकिन जो उनका दायित्व था वो अपनी पूरी तरीके से उन्होंने निभाने का काम किया। और जब जब दुर्घटनाएं होती रही हमेशा उनके साथ एक साजिश एक योजनाबद्ध तरीके से सामंतवादी ताकतों ने उनको ये कोशिश की कि सलाखों के पीछे रखा जाए। अन्याय हुआ तो जुल्म हुआ ज्यादति हुई उसके खिलाफ पूरी तरीके से बाबूजी अपने साथियों के साथ स्वर्गीय बाबू विंध्याचल सिंह जी स्वर्गीय जगन्नाथ शुक्ला जी स्वर्गीय उदय राज जी और हमारे जो जनपुर जनमोर्चा के संपादक जी हैं बाबू शीतला सिंह जी इन सभी साथियों के साथ मिल करके उन्होंने अन्याय के खिलाफ बहुत जबरदस्त आंदोलन और लड़ाइयों को लड़ने का काम किया। अब फिर उनकी पारिवारिक आवश्यकता ये हो गई थी किस तरीके से छुट्टी मिले। अच्छा। तो ये रामदयाल जी खासतौर से वो चाहते थे और उनके पिताजी तो अति वो चाहते थे क्योंकि अकेली बेटी के रूप में ये थे तो उनके लिए हम लोगों ने किया कि भाई वही जलायु का आदमी अगर मिल जाए तो उससे एक रिपोर्ट लिखाई जाए कि ये सेना में रहने लायक नहीं है और वैचारिक रूप से ये कम्युनिस्ट हैं और इस दृष्टि से उनका रखा जाना भी उचित नहीं है। तो एक आदमी अलायु का मिल भी गया जो उन्हीं की बिरादरी का था और ये रिपोर्ट हुई उसके आधार पर इन्होंने जो सेना को छोड़ने का प्रयास कर रहे थे वो सफल हो गया और इनको मुक्ति मिल गई। एक घटना जो उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना भी है और उनके जीवन को मोड़ देने वाली घटना है उसका राजनीतिक महत्व भी है सामाजिक महत्व भी है सामंतशाही महत्व भी है। सामंती प्रवृत्तियों के लोगों के लोग थे जिनके चलते ये घटना घटी। ये सच है कि बाबूजी का उसमें कोई शिरकत नहीं थी लेकिन उन्हें नामित किया गया उनको दोषी बनाया गया और माननीय न्यायालय तक उसका उनको दोषी ठहराया गया। बाद में मर्सी के माध्यम से उनको उससे निजात मिली लेकिन वो घटना उनकी जिंदगी की एक ऐसी घटना थी मऊई कांड जो एक तरफ जुल्म सामंतशाही से जुड़ी हुई घटना थी दूसरी तरफ गरीबों के अंदर एक जुल्म से लड़ने की प्रवृत्ति पैदा कर रही थी। उस जुल्म से लड़ने की प्रवृत्ति जब पैदा हुई उसका मैसेज समाज में गया कि हम इस जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ सकते हैं। वो घटना मऊई कांड की घटना दो रूपों में वहां पर प्रचारित हुई थी एक उसका रूप था सामंती रूप एक रूप था गरीबों में एक जन चेतना पैदा करने की लड़ाई लड़ने की मादा पैदा करने की प्रवृत्ति थी। मवई में एक जमींदार थे पुराने जो मतलब शोषण की इंतहा कर दिए थे लोगों की जैसे जिस परिवार जितने भी लोग थे तो जिस परिवार का एक आदमी उनके यहाँ हल चला रहा है तो दूसरा उनका पशु चरा रहा है तो तीसरा घोड़ी चरा रहा है तो चौथा घर पे सफाई कर रहा है मतलब इस तरह से पूरा एक गांव चार पांच पुरवा के लोग इतना परेशान थे कि मतलब काम तो करते थे ठीक बिना पैसे के करते थे भी ठीक लेकिन जैसे कोई जानवर चराने वाला गया या जैसे कोई उनके यहाँ बेगारी करने वाला गया और अगर दिन निकल आया तो उसको मार खाना है पैसा तो
नहीं मिलना, मजदूरी नहीं मिलनी है, लेकिन अगर एक मिनट दो मिनट लेट, जैसे सूरज निकला, घड़ी तो नहीं होती थी उस जमाने में, लेकिन अगर सूरज निकल आता था तो मार पड़ती थी। और वहाँ पानी पीने की व्यवस्था ये थी, घर वाले पानी पिया जो कुछ चबैना वगैरह लेके जाएं, तो जितनी देर वो काम करने वाला पानी पिए, नाश्ता पानी अपना, उतनी देर वो जो लेके गया रहा वो काम करे। स्थिति ये थी कि अगर किसी के यहाँ कोई मर गया लड़का वड़का, तो जिसके घर का आदमी है उसको छुट्टी मिलती थी, पड़ोसी को या उसके पटीदारों को छुट्टी नहीं मिलती थी जा करके उसके मतलब मिट्टी में दाह संस्कार में शामिल हो सकें। अब आप कल्पना कर लीजिए अत्याचार की, कि जिसके जिसका लड़का मर गया हो उससे क्या मिट्टी की खुदाई हो पाएगी उस समय उस दिन, अगर उसका पटीदार या उसके गाँव वाले सहयोग नहीं करेंगे तो। लेकिन ऐसे होता था कि उस किसी को छुट्टी नहीं मिलती थी, वही आदमी जिसका लड़का मरा होता तो छुट्टी पाता था। तो आप मतलब इससे अंदाजा लगा लें कि क्या स्थिति थी अत्याचार की, कि मजदूरी नहीं मिलती थी, देरी हो जाए तो मार पड़ती थी, और अगर किसी के पास बीघा दो बीघा जमीन थी भी तो उसको अपना काम करने के लिए मौका नहीं मिलता था, क्योंकि वहां कहता बेच अगर हमें छुट्टी मिल जाए बोना है तो कहते थे हमारा कब होगा, तुम्हारा तुम खुद बोगे। तो इस स्थिति में जो अब मतलब धीरे धीरे आक्रोश पनप रहा था, अब ब्रिटिश पीरियड को तो मैं नहीं जानता, लेकिन आजादी के बाद तो धीरे धीरे लोगों में हाँ जागरूकता आ रही थी, तो आक्रोश पनप रहा था, लेकिन उस आक्रोश को संगठित करने वाला कोई नहीं था, कि जनता के आक्रोश को संगठित कोई कैसे करे, जनता अपना आक्रोश व्यक्त करे, डरती भी थी उस समय, तो थाना कचहरी बहुत बड़ी बात थी। तो मित्रसेन जी का रोल ये था उसमें कि उन्होंने लोगों को की आवाज को इकट्ठा किया, लोगों को समझाया बुझाया कि नहीं तुम्हें छुट्टी मिल सकती है लेकिन इस बेगार से, लेकिन तुम लोगों को संगठित होना पड़ेगा, तुमको अपनी इज्जत की जिंदगी जीने के लिए कुछ कुर्बानी देनी पड़ेगी। ये अमूमन कहा करते थे, ये वो कहा करते थे भाई ऐसा है कि मार खाना और मारना दो काम है, तो मार खाओगे तो अगर हाथ उठाओगे तो सिर पर लग सकता है, तो कुछ बचाओ तो होगा अगर हाथ उठा दोगे तो। इस तरह से लोगों को समझाया बुझाया, लोगों ने कहा कि लोगों को ये भी बताते थे कि तुम तो जो हुए हैं तुम अपने बाल बच्चों के साथ भी कर रहे हो, तो ही अगर कुछ नहीं करोगे इससे आजादी नहीं लोगे इस बेगारी उससे शोषण से, तो तुम्हारे बाल बच्चे भी इसी में रहेंगे। ऐसा हुआ कि जब मित्रसेन जी ने लोगों को संगठित किया, लोगों की भावनाओं को एकजुट किया, तो लोग खड़े हो गए शोषण के खिलाफ, और शोषण के खिलाफ खड़े हो गए तो पहला काम तो यहाँ ये हुआ कि बेगार बंद कर दी लोगों ने, एक साथ बंद की पूरे गांव के लोगों ने बेगार करना एक साथ बंद कर दिया। और जब बेगार बंद कर दिया तो जमींदारों में गुस्सा हुआ कि ये लोग अब तक तो काम करते थे, एक बैग कैसे बंद कर दिए। तो उसकी प्रतिक्रिया में एक आदमी गाँव को नहाने गया था, रामनवमी का नहान था, वहां इनके घर वालों ने उसको मारा, इतना मारा कि दूसरे लोग उठा करके उसको लेके अस्पताल भर्ती कराए। ये खबर जब गांव पहुंची तो पूरी गांव सभा के लोग, कोई एक पुरवा दो पुरवा नहीं, छह पुरवा है इस गांव सभा में, छह पुरवा के लोग सब एक समूह के रूप में आक्रोशित हो गए। ये हुआ कि भाई जो भी मिले उसी को मारो, इनके परिवार का। तो उसमें एक इनका लड़का था और एक भतीजा था। अब क्योंकि गांव वालों ने काम बंद करना बंद कर दिया था, तो बाहर से एक आदमी लाए थे और इनके दो लड़के थे, कटाई का काम कर रहे थे, तो 10-11 बजे दिन की घटना है, लोगों ने घेर करके उसको मार दिया। यद्यपि मित्रसेन की इस मर्डर वाली घटना से कोई संबंध नहीं था उनका, लेकिन अब ये क्योंकि आक्रोशित तो लोग थे और उस आक्रोश को मूर्त रूप इन्होंने दिया, संगठित किया लोगों को, तो इसलिए जमींदार लोग तो जले इन्हीं से थे, तो FIR इन पर हुई। मैंने जो बताया था शुरू में कि यहाँ जो घटना घटी थी मर्डर वाली, लोगों के जनाक्रोश के उसमें प्रतिक्रिया में प्रतिक्रिया स्वरूप, तो उसमें जो मारे गए थे हमारे बगल में बैठे हैं रामचंद्र जी, यही हैं, इन्हीं को लोगों ने मारा था, ये अस्पताल गए थे, इन्हीं की इसी की प्रतिक्रिया में यहाँ लोगों में आक्रोश हुआ जो मर्डर हुआ था। हमारे भाई साहब हैं कालीचरण यादव जी बैठे उधर, आप जो अच्छे अब आज भी अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता सामाजिक सेवा करने वाले लोग, ये हरिहर प्रसाद तिवारी जी हैं, ये राम निवाज उर्फ फगुनी प्रजापति जी हैं, ये लोग उनके साथ जेल में रहे हैं, सेशन से भी सजा हुई थी इन लोगों को उनके साथ, और हाई कोर्ट से भी सजा हुई थी जो लोग बैठे हैं। मोई गांव है जी जी,
तो मवई गांव में कत्ल हो गया था किसानों का, और वहाँ के जो जमींदार थे उनके लड़के मारे गए थे, किसानों पे आरोप था कि साहब उन्होंने उसकी हत्या की। उस मामले में मित्रसेन यादव को भी अभियुक्त बनाया गया था, हालांकि मित्रसेन को न तो उसकी जानकारी थी और ना वो कब गए थे ना कभी मौके पर थे, लेकिन इसलिए उसका जो इन लोगों ने रिपोर्ट दिखाया कि ये क्षेत्र में जो कम्युनिस्ट आंदोलन बढ़ रहा है, ये अगर हमको और उनको जेल भेज दिया जाए तो ये समाप्त हो जाएगा, तो वहाँ के दरोगा एक जो थे वो ठाकुर थे, तो उन्होंने उन लोगों से कहा कि मित्रसेन यादव हैं, उनको तो मैं दोनों FIR में रखने को तैयार हूँ हमारा, लेकिन इनको निकाल दीजिए क्योंकि ये ठाकुर हैं और मैं भी ठाकुर हूँ, तो उस और ये बिना मेरी जानकारी और ये उसके उसको किया सब, ये सब थाने पर ही ये सब तय हुआ और उसके साथ ही वहाँ व्यापक रूप से किसानों का घर तोड़ने गिरफ्तार करने के नाम पर जो जो जुल्म हो सकता था उसे। जब FIR लॉन्च हो जाता है तो बाबूजी को जेल जाना पड़ता है, और जेल जाने के पहले योजनाबद्ध तरीके से सामंती ताकतें जितनी होती हैं अदालत का सहारा लेकर के हमारे घर की कुर्की कराने का काम करते हैं। पूरे घर को लूटा जाता है, और पूरे घर को लूटने में जो इलाके के जितने सामंत शाही ताकतें थी सबका वहाँ पर हस्तक्षेप होता है, सारे लोग वहाँ जाने का काम करते हैं। पूरी तरीके से घर के सामान को जितना लाद पाते हैं गाड़ियों में लाद करके ले जाते हैं, जो चीजें वो नहीं ले जा पाते हैं वहाँ के सामंती लोग अपने अपने घरों को उन सामानों को उठाने का काम करते हैं। और इतना ही नहीं, जो घर में हमारे अनाज पड़ा हुआ था, सरसों थी, खाड़ थी, गेहूं और चावल तो लोगों ने ढोने का काम किया उस जमाने में, लेकिन सरसों इतनी पैदावार हुई थी कि उन सरसों को उस जमाने में कच्ची डेहरी में रखने का काम किया जाता था, डेहरी को लोगों ने फोड़ने का काम किया, और फोड़ करके पूरी तरीके से जो कच्ची फर्श हुआ करती थी उस फर्श पर फैलाने का काम किया, और फैला करके जो खाड़ रखी हुई थी उसको भी देह उसके भी जो बड़े बड़े कूड़े होते थे उनको फोड़ने का काम किया, और फोड़ करके दोनों को मिला करके कुदाल से फर्श कच्ची फर्श की गोड़ाई करने का काम किया, और इस तरीके से करके पूरी तरीके से घर को तहस नहस करके जो कुर्सी थी, सामान था, पलंग थी, चारपाइयां थी, सारे सामान को उन्होंने जितना अपनी गाड़ियों पर लाद पाए गाड़ी पर लाद करके ले गए, और जो बचा उसको स्वयं वहाँ के सामंती लोगों ने उठाने का काम किया है, और लेकर के जब चले गए पूरे घर को जब लूटा गया तो हम लोग बहुत छोटे थे उस समय, हम केवल 2 साल 2.5 साल के रहे होंगे। इसके बाद गांव में तमाम तरीके की हम लोगों के साथ सरसों की जाती हैं, गाँव के लोग जो सामंतियों से मिले हुए थे और हमारे ही वर्ग के लोग थे, हमारे ही समाज के लोग थे, जो हमारी खेत में खड़ी फसलें हुआ करती थी उस समय सावा कोदो यही सब पैदा होता था, और सिंचाई के लिए कोई साधन नहीं था, हमारे यहाँ 2 ही 3 परिवार थे जिनके पास सिंचाई के लिए रहट हुआ करती थी, उस रहट से पानी दिया जाता था, लोगों ने रहट को जो है हम लोगों को बंद कराने का काम किया, हमारी रहट को जो है जो सिंचाई का माध्यम हुआ करता था उससे पानी रोकने का काम किया। मवई की घटना तो बहुत जबरदस्त घटना थी, हम लोग उस समय शायद मेरी उम्र रही होगी 6-7 साल, आनंद 3 साल के थे, बड़ी बहन 8-9 साल की थी, छोटी बहन नहीं थी उस समय। मुझे एक घटना बहुत ही जबरदस्त रूप से याद है, ये बाबूजी फरार थे, इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी और घर पे कुर्की की घटना घटी।
पुलिस उस समय सड़क थी नहीं, चक्रोट से आती हुई जब दिखाई पड़ी एक व्हीकल लेकर के, तो मदर ने दरवाजा बंद किया, हम तीनों को साथ लिया, एक बहन दो भाई, और वो जब निकली वहां से तो गांव में सारे दरवाजे बंद हो चुके थे, किसी के घर का दरवाजा खुला नहीं था। और हम लोग फिर गांव में, किसी के यहाँ शरण नहीं मिली उस गांव में, तो आकर के खरवड़िया के जंगल में ढाक, ये छूल हमारे यहाँ बोलते हैं पलाश, कि उसमें छाया में हम लोग रहे। और खरवड़िया में एक बूढ़ी पंडिताइन थी, पंडित जिसको कोई औलाद नहीं थी, वो आई, उन्होंने हम लोगों को राब रोटी दिया और क्या कहते हैं वही पड़े रहे। उसने कहा कि आप मेरे घर चलो, और थोड़ा गुकल, तो उसमें हम लोग रहे, उसे पलाश के पेड़ के नीचे रहे, तो वो बूढ़ी आई और उसने कहा कि मेरे पास कोई नहीं, मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, आप मेरे घर चलो। तो एक आश्रय मिला और शायद हम लोग किसी तरह से वहां रहे। जो एक हफ्ते बाद दो कुर्की की घटना जो घटी, तो पूरा का पूरा घर दोनों साइड से खुला हुआ था, इंटर करो बाहर निकलो। मुझे याद पड़ता है कि जब हम लौट करके आए थे तो हम लोगों ने ये देखा था कि जो हमारे देहरी होती थी पहले, जो राब होती थी वो देहरी में रखी जाती थी मिट्टी के बर्तनों में, जो और सामान था वो तो सब दरवाजे के और खिड़कियां और उसके पल्ले तक तो तोड़ के ले गए थे, लेकिन जो राब नहीं ले जा सके थे उसमें पेशाब कर दिया था। और पूरा घर तहस नहस हो चुका था, फिर भी किसी तरह से उसको मैनेज किया माँ ने, और फिर से व्यवस्थित किया घर को। बाबूजी सरेंडर कर गए थे शायद, लेकिन वो घटना बहुत ही हृदय विदारक घटना थी। उनको छुड़वाने के लिए भी हम लोग करते थे, और लेकिन इस मामले को हाई कोर्ट, उनकी जब यहाँ से सजा हो गई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, तो उसके लिए हाई कोर्ट भी गए और सुप्रीम कोर्ट भी गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो क्राइटेरिया बनाया था कि बहुत सारे लोगों को छोड़ा, उसमें एक गवाह को विश्वसनीय मान लिया गया था कि जिसने उनका नाम लिया हो उसको, तो उसने मित्रसेन का नाम लिया था जी जी। तो वो हो गए। फिर उसके बाद ये हुआ कि साहब ये उस चुनाव के पहले वो उनको छूटना था, फिर कैसे क्या हुआ हो, तो एक हुआ करते थे एक जो सेंट्रल में मिनिस्टर थे यादव चंद्र, क्या नाम उनका, कांग्रेस आजमगढ़ के कोई मिनिस्टर, आजमगढ़ के, तो उन्होंने कोशिश की और ये यहाँ के पुलिस ने भी, यहाँ के जो डीएम थे, जब उनसे मैंने कहा कि साहब इस तरीके से, और वो तो बिल्कुल बेगुनाह है,
तो कहें अरे बेगुनाह आदमी जेल चला जाए और मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हूँ, आप बताइए क्या हो सकता है। तो हमने कहा अगर उसकी पैरोल पर छोड़ने की आप करवा दें तो बड़ा अच्छा होगा। तो वो जो है उन्होंने कहा, तो उन्होंने एक मजिस्ट्रेट को नियुक्त किया और एसएसपी को कि आप रिपोर्ट दीजिए। तो मजिस्ट्रेट ने तो ये सारी तथ्य जो है लिखे, लेकिन एसएसपी ने कहा कि मैं केवल फॉरवर्ड करूंगा, मैं किसी आदमी जिसको जेल की सजा हो गई हो छोड़े जाने की रिकमेंडेशन नहीं कर सकता। तब ये मामला राज्य के पास गया, तब वहाँ एक बलराम यादव इटावा के थे, वो मिनिस्टर थे, वो इतना वो भी मदद कर रहे थे। उस समय जो न्याय मंत्री थे वहाँ गोरखपुर के सिसवा के यादवेंद्र सिंह थे, एक रोज वो आ रहे थे, ये मामला ये प्रसंग उनके पास विचाराधीन था। तो वो उनका चूंकि न्याय मंत्री थे इसलिए अयोध्या कोतवाली में सारे पुलिस वाले उनके स्वागत के लिए उसमें सब बैठे थे। वो अपने गोरखपुर से जा रहे थे वहां, तो उन्होंने भाई देवी पूछ लिया कि भाई क्या मित्रसेन उस हत्या में था। तो पुलिस वालों ने कहा कि नहीं साहब उस हत्या में नहीं था, उसको जानकारी भी नहीं थी। तो कहीं हमारी मजबूरी ये थी कि अगर हम मित्रसेन को निकाल देते तो ये हमारा मामला ही कमजोर हो जाता और ये पूरा मामला छूट जाता। तो कहीं कि वो निर्दोष है, कहीं बिल्कुल निर्दोष है। तो वो अपनी रिपोर्ट उनकी मुक्ति के लिए लेकर के कमलापत त्रिपाठी के पास गए, उस समय मुख्यमंत्री थे। तो कमलापत त्रिपाठी ने कहा कि इसकी सीआईडी जांच करा ली जाए। तो उन्होंने कहा अगर आपको अपने मंत्री के जांच से विश्वास नहीं है तो हमारा इसमें रहने बेकार है। और उस तरीके से खैर उसके बाद उन्होंने किया, राज्यपाल ने इनको जो है वो जेल से मुक्त भी किया और 13 मई उत्तर प्रदेश में एक नया इतिहास कि किसी खाली 13 महीना जेल में रहने के बाद कोई व्यक्ति पैरोल पर छूटा हो, इस रूप में मित्रसेन यादव ने एक उदाहरण भी। सबसे पहले उन्होंने जो सार्थक प्रयास किया अपने इलाके में एक शिक्षण संस्थान व्यवस्थापित करने का काम किया और वो किसान विद्यालय हायर सेकेंडरी स्कूल के रूप में पहले मान्यता प्राप्त हुई उसको 1975 में, उसके बाद वो इंटरमीडिएट कॉलेज की मान्यता उसको 1977 में मिली। उस कॉलेज के माध्यम से उनकी एक पहचान बनी। वहाँ एक स्कूल खोलना था जो किसान महाविद्यालय किसान इंटर कॉलेज के नाम से है। तो मुझे याद है कि 1963 में हम लोग गए थे, बम्बई गए पहली बार, मैं भी गया और वो भी गए। और वहाँ कि यहाँ के इस क्षेत्र के जो रहने वाले हैं उनसे कुछ आर्थिक सहायता दे करके इस स्कूल को चलाया जाए। तो हम लोग बम्बई और अहमदाबाद और कई जगहों पर गए थे। और ये जो है मैं उसके स्कूल के संस्थापकों में से था, वो और उनका परिवार तो उसका मूल प्रतिस्थापक ही था। जो विद्यालय गरीबों के लिए वंचितों के लिए शोषितों के लिए खोला गया था, क्योंकि दूर दूर तक कोई शिक्षण संस्था नहीं थी उस जमाने में, इसलिए उनके दिमाग में बात आई कि शिक्षण संस्था खोल के समाज का हित किया जाए, गरीबों का जो वंचित हैं शोषित हैं उनके बच्चे भी शिक्षा ग्रहण करके आगे बढ़ सकें कुछ प्राप्त कर सकें, इस भावना से विद्यालय चलाया।
लेकिन इसी समय मवई के हत्याकांड में उनको सजा हो गई, तो उन्होंने हमको एक पत्र लिखा जेल से कि आपत्काल परखियेचारी धीरज धर्म मित्र अरनारी। हम उनके इस चिट्ठी से बहुत प्रभावित हुए, द्रवीभूत हो गए और हम अपने नौकरी सरकारी नौकरी से छुट्टी लेकर के उनका विद्यालय देखने के लिए चले आए। जब मैं विद्यालय में आया तो उसमें बहुत विरोध उच्च स्तर का था, जो असामाजिक लोग थे, जमींदार टाइप के लोग थे, जो उनसे ईर्ष्या द्वेष करते थे, वे चाहते थे कि विद्यालय टूट जाए, न चलने पावे। इसलिए वे विद्यार्थियों को अपने घर के लड़कों को तो भेजते नहीं थे, अन्य वर्ग के छात्र भी अगर पढ़ने आते थे उनको रास्ते में रोकते थे, मारते पीटते थे कि वहां ना पढ़ो और चाहे जिस स्कूल में पढ़ो। लेकिन हमारे आने के पश्चात जब पढ़ाई लिखाई व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हुई और पढ़ाई लिखाई के मामले में जब ख्याति बढ़ी स्कूल की, तो ऐसे विरोधी लोग भी जो स्कूल का विरोध करते थे वे भी अपने बच्चों को वहां पढ़ाने के लिए भेजने लगे। इस प्रकार से वो स्कूल प्रिंट करता रहा और इंटर कॉलेज तक हो गया, तब तक मैं वहाँ पर पढ़ाता रहा। किसान विद्यालय इंटर कॉलेज की स्थापना स्वर्गीय बाबू मित्रसेन यादव जी अपने 5 साथियों से संगठन बना करके तय करके इस विद्यालय की स्थापना किया, क्योंकि उस समय सामंतियों का आतंक था और राजनीतिक घराने में इनका सबसे ज़्यादा उत्पीड़न किया जा रहा है। श्री अरविंद सेन यादव और श्री आनंद सेन यादव जब सयाने हो गए तो इनको ये हुआ कि अब विद्यालय में पढ़ने लायक हैं तो कहाँ पढ़ाएं, क्योंकि इनकी दुश्मनी थी। तो दुश्मनी होने के नाते इनके 5 साथी बाबू स्वर्गीय बाबू मित्र सेन यादव, बाबू शीतला सिंह, प्रधान श्री उदयराज यादव और दादा परमानंद यादव, 5 लोग मिल करके यह तय किया कि हम अपना निजी विद्यालय खोल करके अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। 1966 या उस दौर में समाज में जो एक सजा ये भी थी, लोग कहते थे कि इसको आदमी को पांत में खाने में दो, हरी पत्तल न देखने पावे, तो उनके भी बच्चे बच्चे जो पढ़ने वढ़ने की स्थिति बनती थी, तो दो बातें थी। एक तो उनका लड़का था जो तो दूर पढ़ने जाता तो सामाजिक खतरा भी था, और दूसरा जो सोशल बायकॉट वाली बात थी भी थी। तो इन लोगों के मन में आया कि भाई, क्योंकि उस समय दूर दूर तक विद्यालय नहीं हुआ करते थे, सन 65-66 की स्थिति थी, तो इन लोगों ने सोचा कि क्यों ना अपना एक पड़ोस में विद्यालय खोल लिया जाए। साथी में सेन के सामने उस समय इतनी बड़ी समस्या थी कि समय था कि हम लोग हर लड़ाई में सामंतों से लड़ा करते थे, तो इनके पास 2 बच्चे थे, पढ़ने में बड़ी दिक्कत थी। हम लोगों ने सोचा या साथी में सेन की और इनके विधायक जी के माँ ने सोचा कि नहीं, बच्चों के लिए आप कॉलेज बनवाइए, बच्चे हमारे अगर पढ़ने जाएंगे बाहर जाएंगे तो मार दिए जाएंगे। इन विषम परिस्थितियों में ये कॉलेज बनवाया गया। कॉलेज की हम लोगों ने अपने हाथ से नींव खोदी और नींव खोद करके चारों तरफ से उसकी सफाई करके भट्ठा लगाया गया, भट्ठे से ईंटा पकाया गया, ईंटा जब पक के तैयार हो गया तब बच्चों के लिए स्कूल बनाया गया। उस समय आने जाने में बड़ी दिक्कतें हुआ करती थी, हम लोग रास्ता बदल कर चलते थे और सामंतों के डर से। साथी मित्र सेन यादव हमारे नायक थे और भाई शीतला सिंह, ये 2 आदमी, हम 3 आदमी जब निकलते थे बड़ी दिक्कतें रहती थी, एक रास्ते जाते थे दूसरे रास्ते से लौट कर आते थे। गांव वाले या हमारे सामंती पंडित के जितने थे अगल बगल के सब लोग इसी परिस्थिति में स्कूल साथी मित्र सेन को बनवाना पड़ा। बाबूजी की एक सोच थी और वो सोच थी हम लोगों के परिवार में, हमारी और हमारे भाई की, अब हमारे पारिवारिक जन की सुरक्षा का, और सुरक्षा के साथ ही साथ अध्ययन का और उसके साथ अध्यवसाय के साथ पढ़ाई लिखाई के साथ ही उसके आगे बढ़ने की प्रवृत्ति का। उसी के तहत उस
कॉलेज की संरचना हुई थी किसान विद्यालय की, और उसमें पहला शायद जो मान्यता प्राप्त होने के बाद पहला जो बैच था वो मेरा ही था। उसके बाद इंटर का जब मैं एग्जाम दिया, मेरा मेरे हाई स्कूल की मार्कशीट पे लिखा हुआ है किसान विद्यालय हायर सेकेंडरी स्कूल कल्याणपुर फैजाबाद। इंटरमीडिएट के जब मैं 1977 में किया तो उस मार्कशीट पे लिखा हुआ है, उस सर्टिफिकेट पे मिला मुझे लिखा हुआ है किसान विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज कल्याणपुर फैजाबाद। जिस साल मैं हाई स्कूल दे रहा हूँ उस साल उसको हायर सेकेंडरी की मान्यता मिल रही है हाई स्कूल की उस कॉलेज को, और जब मैं इंटर दे रहा हूँ तो वो इंटरमीडिएट की मान्यता उसको प्राप्त हो रही है। वो एक ऐसा संस्थान था जो अड़ोस पड़ोस के सारे बच्चों को शिक्षा दे रहा था, और शिक्षा देने के साथ साथ उस कॉलेज की एक पहचान थी अच्छी शिक्षा के लिए। वो शायद उनको बाबूजी को शोहरत देने में, वो शिक्षण संस्थान ने वो बाबूजी को शोहरत देने में बड़ी अच्छी भूमिका अदा की। बालिकाओं की शिक्षा के लिए भी उन्होंने श्यामकली बालिका जूनियर हाई स्कूल की स्थापना की, उसके कुछ वर्षों बाद जिसको इंटर कॉलेज की मान्यता मिल गई। '77 में जब इस विधानसभा चुनाव प्रथम बार बाबूजी लड़े थे तो उन्होंने जनता पार्टी को पराजित कर करके चुनाव जीता था। इनकी राजनीतिक प्रतिनिधित्व का जहाँ तक सवाल है, राजनीतिक प्रतिनिधि के रूप में शुरुआत इनकी पहली 1977 के विधानसभा चुनाव से ही होती है। कम्युनिस्ट पार्टी से चुनाव, जनता पार्टी की लहर और पहली बार चुनाव लड़कर के सारे विरोधों के बावजूद, राजनीतिक विरोध के बावजूद, सामाजिक विरोध के बावजूद, सारी सामंत शाही शक्तियों के लगने के बावजूद भी चुनाव जीतना एक मील का पत्थर साबित हुआ उनकी जिंदगी। उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत 1977 में पहली बार मिल्कीपुर विधानसभा से 14,609 मतों से जीतकर विधानसभा पहुंचने के साथ शुरू होती है। दूसरी बार 1980 में कांग्रेस के उम्मीदवार रामहित सिंह को हराकर विधानसभा पहुंचते हैं। 1984 का लोकसभा चुनाव इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुआ था। ये मित्रसेन यादव का पहला लोकसभा चुनाव था जिसमें वे दूसरे स्थान पर आते हैं। 1985 में वे तीसरी बार कांग्रेस के प्रत्याशी हनुमान प्रसाद त्रिपाठी को हराकर विधानसभा पहुंचते हैं। 1979 में हुए विधानसभा चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ता है, लेकिन फैजाबाद लोकसभा चुनाव जीतकर वे पहली बार संसद पहुंचते हैं। 1979 का लोकसभा चुनाव उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण चुनाव था। ये वो दौर था जब कट्टरपंथियों ने राम मंदिर निर्माण के लिए अपने उन्मादी अभियान को तेज किया था, हिंदू व मुस्लिम के बीच में सांप्रदायिक की दीवार खड़ी करने की कोशिश की थी। तब मित्रसेन यादव और उनके साथी फैजाबाद और देश को सांप्रदायिकता की आग से बचाने के लिए जगह जगह सांप्रदायिकता विरोधी मुशायरों, पैदल मार्च और रैलियों का आयोजन किया। बहुत ही कद्दावर और बहुत ही संघर्षशील नेता थे। सबसे पहले उन्होंने यहाँ सांप्रदायिकता के विरोध में 89 में रैली शुरू की, जबकि पूरा देश जल रहा था। उस समय कोई आदमी पूछने वाला नहीं था कि फैजाबाद में क्या हो रहा है, और पूरा देश इस माहौल में था कि कोई किसी से बात करने वाला नहीं। ऐसे स्थिति में माननीय मित्रसेन यादव जी उस समय अकेले नेता थे पूरे उत्तर प्रदेश, कह लीजिए, इन्होंने सांप्रदायिकता विरोधी रैली का आयोजन किया और एक इन्होंने मैसेज दिया पूरे देश को कि यहाँ भी अयोध्या में जहाँ के लोग अपनी सोच को पूरे दुनिया में फैलाना चाहते थे उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई शुरू की। उस समय माहौल अलग बिगड़ा था, ये उस बीच में भी जहाँ पर इतनी भीड़ थी उस बीच में भी जनता के पैदल आंदोलन कम्युनिस्ट पार्टी का चल रहा जो सांप्रदायिकता के खिलाफ ये अपनी सभा करते थे। उसमें सभा आज भी ली जाए और भी तमाम ऐसे
उस समय की कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सब आते थे और ये सेकुलर कैरेक्टर की बात करते उनका विरोध करते थे कि ये चल रहा है इसका विरोध करना क्योंकि ये सांप्रदायिकता भाजपा के राजनीति का अनुभव तय किया था के चुनाव का था इसमें बहुत से लोगों ने हम लोगों से कहा कि भाई ये चुनाव का दौर है इसलिए इसकी सांप्रदायिकता विरोधी आंदोलन मत चलाइए नहीं तो हिंदू जनता जो है वो कट जाएगी आप लोगों से तो हम लोगों ने कहा भाई जो इस देश के लिए जरूरी नारे हैं जो इस देश के जरूरी इस वक्त पॉलिटिकल हालात है इसको बदलना है और इसके लिए काम करना है चुनाव जीते हारे इसका कोई मतलब नहीं है कौमी एकता बनी रहेगी तो हम चुनाव जीतेंगे कौमी एकजहती नहीं रहेगी तो हम चुनाव जीतने का फिर क्या मतलब है तो इस तरह से कह करके हम लोगों ने इसको किया तो इसलिए पूरे जिले की जनता उनको मानती थी जानती थी सच्चे रहनुमा के तौर पर फैजाबाद में भरे थे 89 के चुनाव में जनता ने उनको हाथों हाथ लिया और बहुत भारी मतों से विजयी बनाया और यहाँ तक मैं बताना चाहता हूँ कि जो मुस्लिम समाज था मुस्लिम समाज की महिलाओं ने औरतों ने घरों घरों में रोजा रखा और खुदा से दुआएं कि ये चुनाव मित्र यादव जीते और जब मित्र यादव चुनाव लड़ रहे थे तो फैजाबाद का माहौल बहुत टेंस कर दिया गया था सांप्रदायिकता की आग में झोंक दिया गया था अब क्या होगा तब क्या होगा इसका कोई अंदाजा नहीं था और इसी उहापोह के माहौल में ये चुनाव संपन्न हुआ जब चुनाव हुआ और इसका रिजल्ट आया तो मित्र सिंह यादव जब जीते उनकी जीत के बाद जो जुलूस निकला फैजाबाद वो एक ऐतिहासिक घटना है वो एक ऐतिहासिक जुलूस है उतना बड़ा जुलूस किसी का नहीं निकला आज तक इसी उन्मादी अभियान के बल पर लोकसभा में दो सीटों वाली बीजेपी ने 85 लोकसभा सीटें जीत ली थीं लेकिन यहां जननायक मित्रसेन यादव की वजह से उनको हार का सामना करना पड़ा था 1979 का लोकसभा चुनाव जीतने के बाद वरिष्ठ समाजवादी चिंतक मधु लिमये ने दिल्ली में उनको सम्मानित भी किया था जिसका जिक्र वरिष्ठ पत्रकार शीर्ष नारायण सिंह ने अपने एक लेख में किया है 1991 के विधानसभा चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ता है 6 दिसंबर 1992 को जब कट्टरपंथियों द्वारा बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया जाता है तो 1993 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होते हैं तब वो बीजेपी के प्रत्याशी को हराकर चौथी बार विधानसभा पहुंचते हैं 1996 का लोकसभा चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ता है 1996 में वे मिल्कीपुर विधानसभा से निर्वाचित होकर पांचवी बार विधानसभा पहुंचते हैं 1998 का लोकसभा चुनाव जीतकर वे दूसरी बार लोकसभा पहुंचते हैं 1999 का लोकसभा चुनाव उनके राजनीतिक जीवन का सबसे बुरा चुनाव था निर्दलीय मैदान में होते हैं पांचवें स्थान पर रहते हुए अपनी ताकत का एहसास कराते हैं साल 2004 में जब गुजरात दंगों के दाग को धुलने के लिए बीजेपी करोड़ों रुपए खर्च करके इंडिया शाइनिंग का नारा देकर समय से पहले लोकसभा चुनाव की घोषणा करती है तो फैजाबाद की गरीब दलित पिछड़ी और अल्पसंख्यक जनता मित्रसेन यादव पर विश्वास करके तीसरी बार संसद भेजती है 2009 के लोकसभा चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ता है 2012 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में जब मिल्कीपुर विधानसभा जो उनके गृह क्षेत्र के अंतर्गत आती है उसको अनुसूचित जाति के लिए रिक्त कर दी जाती है तब मित्रसेन यादव उसके बगल की विधानसभा बीकापुर से लड़ते हैं और छठी बार विधानसभा पहुंचते हैं 2014 के लोकसभा चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ता है ये उनका आखिरी चुनाव था किसी वैसे समाज के निचले तबके के साथ अगर कहीं पे कोई घटना होती थी और वो आके उनसे मदद मांगता था तो वो मदद देते थे लेकिन वो कभी खुद इन्वॉल्व नहीं उन्होंने डीएम से मिलना और कप्तान से मिलना वो जहां तक नहीं पहुंच पाता था वहां तक पहुंच के उसको मिलवाते थे उसकी बात को पढ़ाते थे ये सब था उन्होंने लेकिन वो खुद से उनके हाथ से कोई हमने
इसीलिए उन सारी चीजों को इसने माइनस किया, क्योंकि हमारे उसमें जब से आए वो संपर्क में, तो हमने उनको कहीं पे भी ऐसा नहीं देखा कि उन्होंने कोई इस तरह का कोई अंदाज अख्तियार किया हो कि किसी को मार देंगे, किसी को पीट देंगे, किसी को ऐसे कर देंगे। ये सब इन शब्दों का प्रयोग करते भी उन्हें नहीं देखा। ये है कि वो अपने मामलात को अच्छी तरह समझते थे और ये भी जानते थे कि उनको जो लोग फंसाते थे, उनको जो लोग उनका नाम लाते थे बीच में, सब कुछ किया। मीडिया के एक वर्ग ने उनको बेइंतहा तंग किया और नेशनल लेवल पे आप देखिए कि किस तरह से हमारे मुख्यधारा की मीडिया में दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज के जननायकों को किस नज़रिए से देखा जाता है, या वो लोग जो दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों के आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, तो मुख्यधारा का मीडिया उनको गुमनामी के अंधेरे में धकेल देता है। जननायक मित्रसेन यादव भी इससे अछूते नहीं रहे। उनको भी मुख्यधारा का मीडिया उनके जीवित रहने या उनके जाने के बाद भी बाहुबली या माफिया लिखकर अपनी खबरें बनाता रहा। और इस तरीके से उनका जीवन ही पूरी तरीके से संघर्षों का था। मोई मामले में तो मैं वैदिक जानकारी के आधार पर उस समय सारे तथ्यों के ये बता सकता हूँ कि उनका किसी उसी तरीके से जितने अन्य मामले उनके खिलाफ दिखाए गए थे उनमें से भी अधिकांश ये कूट रचित थे, झूठे धारणाओं या जो है कि झूठे व्यक्तियों को खड़ा करके, और ये मुकदमों के जरिए उनसे मुक्ति कैसे मिले इसके लिए थे। लेकिन वो अंत तक जो है उससे लड़ते रहे और उसमें कामयाब रहे। तीन साल पहले हम हार्ट के बारे में बात करने के लिए लोहिया अस्पताल गए। उस समय इनकी बुजुर्गी के कारण इनकी तबीयत खराब चल रही थी। ये खुद उस समय अस्पताल में चेक करा रहे थे, लेकिन हम जल्दी से हम चले आए थे। उसके बाद ये घर चले गए भी, हमारा हार्ट का ऑपरेशन हुआ मेदांता में। ऑपरेशन करा गए, हम जब आए घर आ गए तो घर पर रहते तीन करीब छः महीने तक बेड रेस्ट था। ये मानवता के इतने धनी थे कि मानवता के कारण अपने दोनों बेटों को कहा कि हमको ले चलो, चल नहीं सकते थे तो दोनों के ऊपर हाथ और रखा और घूमते नगर हमारे घर पहुंच गए। तो हमने कहा कि आप मानो क्यों आ गए, बताए तो गए तो आप तो उठ ही नहीं सकते हैं, हम आपको देखने आए। संयोग की बात है कि बाबूजी अपने अंतिम क्षणों में एक दिन पहले हॉस्पिटल में थे लखनऊ में, हम लोग तो वहां गए तो दिन भर हम उनके साथ, और वहां पर कम लोगों को खड़ा होना मिलता था और राउंड लगा के लोग उनके सामने जब हम पहुंचे हैं तो सिरहाना थोड़ा ऊंचा करके रखा गया था उनको, उनके आंख से आंसू लुढ़का हमको देख करके वो कुछ बोल नहीं पाए। वो आंसू देख करके हमारी आंख डबडबा आई और हम रोक नहीं पाए अपने आप। वहां से आए बाहर, सारा दिन वहीं खड़े रहे सभी लोग। रात में घर पहुंचे तो सुबह पता लगा कि ये घटना हो गई। बाबूजी की जो तबीयत थी और जो स्वास्थ्य उनका खराब हुआ 2014 के चुनाव के बाद, जब लोकसभा वो लड़े 2014 और उसमें पराजित हुए, उसके बाद उनके स्वास्थ्य में अनुदिन गिरावट आई, आनी शुरू हुई। वो उसका कारण क्या था, एक उनकी एक बीमारी थी जिसको यहाँ डॉक्टर लोगों ने नहीं पहचानी और उनका जो इलाज हुआ वो बहुत ही उचित नहीं था,
या वगैरह डायग्नोसिस नहीं हो सकी उस बीमारी की, उनको प्रयास करके हम लोगों ने उनको भेजा था सिंगापुर, जहाँ वो गए और काफ़ी हद तक स्वस्थ होकर लौट के आए थे। उसके बाद फिर वो दोबारा वहाँ नहीं जा पाए किन परिस्थितियों में, और यहीं मेदांता से लेकर राम मनोहर लोहिया तक उनका इलाज चलता रहा और अनुदिन उनके उसमें स्वास्थ्य में गिरावट होती चली गई, जो फिर रिकवर नहीं हुआ। चाहे वो स्वास्थ्य बीमारी के चलते हो या प्रॉपर उनका कहीं इलाज जो सिंगापुर का कंटिन्यू होना चाहिए था वो नहीं हो सका। बाबूजी क्योंकि ये हुआ कि बाबूजी की तबीयत फिर ख़राब हो गई, तो लोगों का आना जाना, उनका हाल चाल जानना, तो जो जो भी बाबूजी से मिलने आता था उससे बाबूजी यही पूछते थे कि हाँ बोलो क्या काम है। बाबूजी ने अपने दर्द का कभी, वो दर्द से परेशान थे, वो कराह रहे थे, लेकिन उन्होंने जो भी सामने उनसे मिलने आया तो उन्होंने कभी इस चीज़ का एहसास नहीं होने दिया कि उन्हें दर्द हो रहा है। उनको जो भी आया तो उनसे यही कहते थे कि चलो मैं ठीक होके मैं आता हूँ, फिर आप लोगों से मिलता हूँ, मैं क्षेत्र में चलता हूँ। तो लास्ट टाइम पे बाबूजी बेड पे थे और वो लोगों से जो भी उनसे मिलने आते ये कहते थे कि मैं आता हूँ, मैं क्षेत्र में मिलता हूँ, मैं फैजाबाद आता हूँ, मैं ठीक होके आता हूँ। ये बाबूजी में गजब का साहस था। फैजाबाद के लोगों से, फैजाबाद की जनता से बाबूजी एक परिवार की तरह उसको देखते थे और उससे उनको अथाह प्रेम था, क्योंकि वो जाते जाते भी फैजाबाद के लिए ही सोचते रहे। तो ये मेरे अपने आप में, जैसा कि बाबूजी का ये रहा कि वो लास्ट टाइम तक उनमें कुछ कर गुजरने की जो साहस था, उस साहस का बयान नहीं किया जा सकता है। वो अपने आप में एक अनूठा था जिसको हम कई शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और सात की सुबह जो है, हम लोग रात में थे 11 बजे तक बाबूजी के साथ। 7 तारीख की सुबह हम मतलब उठ रहे थे, उसी समय उठने वाले थे, तकरीबन वही 5:30-6 बजे के आसपास का समय था। तभी हमारे पास फोन आता है इस बात का कि बाबूजी की तबीयत बहुत खराब हो गई। तुरंत हम कपड़ा पहनते हैं और सीधे बाबूजी के पास आते हैं, लेकिन उस समय परिस्थितियां बहुत खराब थी उनकी और वो लगभग आप समझ लीजिए वेंटिलेटर पर रखने की जो स्थिति थी वो भी नहीं हो पाई। और सारे डॉक्टर लोग लग करके प्रयास करते रहे लेकिन अपने प्रयास में पूरी तरीके से विफल रहे और वो हमारे बीच से चले गए। फैजाबाद जनपद में कोई भी ऐसा आदमी नहीं था जो जनता की लड़ाई लड़ता। समी हत्याकांड में यही हुआ कि पुलिस वालों ने समी को इतना मारा था कि उनकी हत्या हो गई और उनको जब पता चला तो वो थाना आके घेर लिया। उसके बाद थाने में अकेले लड़ाई लड़ा। जिले का कोई नेता उनके साथ नहीं था, यहाँ के चंद कार्यकर्ता हम लोगों के जैसे कार्यकर्ता जो उनके साथ थे और पूरी लड़ाई उन्होंने लड़ा। और लड़ाई लड़ने के बाद ये हुआ कि उनको जो है एग्जाम लगा, उनके ऊपर पुलिस वालों ने मुकदमा लिखा और उनको जेल जाना पड़ा। इस तरीके की एक नहीं कई लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी। और हमारा जहाँ तक सोचना है कि फैजाबाद जनपद में मित्रसेन जैसा कोई नेता अभी तक फिलहाल नहीं हुआ है और ना आगे होने की उम्मीद। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है चमन में, तब कहीं होता है जिंदाबाद। ये बात जो है, ये जो शेर है अल्लामा इकबाल साहब का, ये मिस्टर यादव जी के लिए खासतौर से फैजाबाद की धरती और अयोध्या की धरती के परिवेश में बहुत ही सटीक है। और आज भी जो है उनके संघर्षों की लोग मिसाल देते हैं,
और उनके जैसा जो है नेता आज पूरे फैजाबाद जिले में, चाहे वो दलित हो, चाहे वो अकलियत के लोग हों, चाहे जो है पिछड़े वर्ग के लोग हों, उनके जैसा नेता जो है मिलना मुश्किल है और आज उनकी बहुत कमी महसूस होती है। आज के माहौल में आज का जो फिर सांप्रदायिक शक्तियां असर उठा रही हैं, सामंतवादी शक्तियां असर उठा रही हैं, ऐसे माहौल में जो है दलित और अकलियत के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग जैसे नेता की कमी महसूस कर रहे हैं और बहुत दिनों तक महसूस करते रहे। 1985 के बाद शहीद भवन की बुनियाद बाबू जी ने रखी और यहाँ इसलिए रखा था कि इसी शहीद भवन से हम गरीबों की मदद के लिए, शहीद भवन में आप देख लीजिए अंदर में एक हाल बना हुआ है जहाँ कम्युनिस्ट पार्टी की या किसी भी पार्टी की मदद के लिए, वो पार्टी की बैठक के लिए माननीय मित्र सेन यादव जी ने एक हाल की व्यवस्था की। उसमें कम्युनिस्ट पार्टी की पहले मीटिंगें होती थी, जब बाबूजी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए समाजवादी पार्टी की मीटिंग हुई। यहाँ आप तो कम है, जब बाबूजी थे जिंदा थे यहाँ रिक्शा वालों की बहुत बड़ी भीड़ लगती थी, सारे शहर के रिक्शा वाहन आकर के इसी शहीद भवन में रुकते थे। एक रिक्शा वाहन एक गरीबों का रैन बसेरा था शहीद भवन, शहीद भवन में जो कहीं जगह गरीब नहीं पाता था, अपने सर को छुपाने की जमीन नहीं पाता था, तो शहीद भवन में आकर के वही यहाँ विश्राम करता था। यहाँ बाबूजी मित्र सेन यादव जी गरीबों के लिए खाने की व्यवस्था करते थे, उनकी रोटी कपड़े की व्यवस्था करते थे और यहाँ तक कि कुछ बहुत से बेसहारा लोगों को कपड़ा भी देते थे। उसकी शादी में गरीब की बेटी की अगर कभी शादी पड़ती थी तो उसकी शादी भी करवाते थे। ऐसे नेता, ऐसे जननेता, ऐसे इस धरती के विधाता फैजाबाद में अब कोई नेता हमें नहीं लगता कोई इस धरती पर मित्र दूसरा मित्र से पैदा होगा। बाबू जी हमारे आदर्श रहे हैं और उन्होंने समाज के लिए जिस तरीके से सामंतवादियों से लोगों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, फौज की नौकरी छोड़ के वो आए और जो भी जो एक मिसाल बाबूजी ने समाज के सामने पेश किया वो उसका बयान नहीं हो सकता है। कि मित्र सेठ जी ने हमेशा सांप्रदायिकता के खिलाफ और भुखमरी बेरोजगारी के खिलाफ, जुल्म जाति के खिलाफ हमेशा संघर्ष किया और यही कारण है कि आज भी फैजाबाद की जनता मित्र सेन जी को शिद्दत के साथ याद करती है। और जहां तक मैं जानता हूं कि शहीद भवन पर कोई भी जाता था तो उसकी आवाज को सुनते थे। आगे आगे रहे पार्लियामेंट में भी, यहां भी आके इनका हाल ये रहता था कि आवाम से मिलना और हर खास मुआम से मिलना इनकी आदत थी। ये हम लोगों को या शहर के तमाम लोगों को इस तरह से फोन से इससे उससे मुस्तकिल हालचाल लेना, ये सब इनकी एक आदत में शुमार था। और इन्होंने इतना यहाँ पे बढ़ावा दिया, इन्होंने खूब मुशायरे कराए शहर में और इतनी इज्जत देते थे, इतनी मोहब्बत करते थे। अब इनका एक बार का वाकया कि हमारी मिसेस अकेले जा रही थी दिल्ली और लखनऊ स्टेशन पे हमारा छोटा भाई या कोई गया हुआ था पहुंचाने गाड़ी से, वो बैठी इन्होंने देख लिया तो ये अपने लाहौल लश्कर के साथ शायद कहीं जा रहे थे, तो प्लेटफॉर्म पे ही आके ये उतनी देर ठहरे रहे जितनी देर उनको ट्रेन में वो बैठ नहीं गए। वो कहती रही कि नहीं चले, नहीं डॉक्टर साहब नहीं आए, आप बैठ जाइए हम चले जाएंगे, फिक्र मत कीजिए हम भी चले जाएंगे। आम आदमी की जिंदगी में शरीक हो गए थे, उनके जेहन में शरीक थे। गरीब आदमी, मजलूम, पीड़ित, दुखी, दर्द और दर्द से भरा हुआ इंसान, उनकी चाहत थी, उनकी पहचान थी और वो उनमें विश्वास रखता था। ऐसा व्यक्तित्व तो शायद ही बिरले होते हैं, हम ये नहीं कहते कोई नहीं होता, लेकिन ये बिरले होते हैं। और ऐसा नेतृत्व, इतना गरीब जनता से जुड़ा हुआ, उनके उसके जेहन में जिसकी छवि बन गई हो, ऐसा नेता शायद ही फैजाबाद को दोबारा मिलेगा।